हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 10th कर रही है एग्ज़ाम, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट्स का हो, रेगुलर वाले बच्चों का हो, कंपार्टमेंट का हो, इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का हो, सभी का जो एग्ज़ाम हो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में बहुत से बच्चों का प्रश्न था, सर क्या क्वेश्चन जो है पेपर में हार्ड पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे सब्जेक्टिव आएंगे, क्या 50% ऑब्जेक्टिव आएंगे या सब्जेक्टिव आएंगे। ऐसे बहुत से बच्चों के क्वेश्चन को लेकर डाउट थे क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो मैंने आप सभी से कहा था मैं इसको लेकर सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, जिसमें आप सभी के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, तो दोस्तों मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ, उस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप दोस्तों री एग्ज़ाम दे रहे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि री एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसी ही पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले पेपर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो आप सभी कितने होंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल 3 आवर्स के एग्ज़ाम होंगे। 10:30 से आपका जो एग्ज़ाम चलेगा दोस्तों, 10:30 से चलेगा 1:30 बजे तक, और टोटल जो है नंबर होगा दोस्तों, यानी एक क्वेश्चन पेपर का 80 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर को दोस्तों जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी और ई, यानी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस तरह से टोटल जो 32 क्वेश्चन हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू वाले। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन ए दिया हुआ, नहीं जो जितने भी क्वेश्चन वो कंपलसरी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक जो है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो है वो कैसे होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के होंगे, और हर क्वेश्चन जो है दोस्तों 1 नंबर का पूछा जाए, यानी 16 नंबर के 16 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सेक्शन भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक ये दोस्तों जो होंगे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी छोटे क्वेश्चन होंगे ये, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है दोस्तों 3 नंबर का पूछा जाएगा, और इसको आपको उत्तर देना 80 वर्ड, यानी कम से कम 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, जो 17 से 22 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन सी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 23 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे दोस्तों आपको 4 नंबर के, ठीक है। तो 23 से लेकर 26 तक 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगला डी जो सेक्शन है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का होगा, और इसमें आपको कम से कम 120 शब्द लिखने होंगे, ठीक है। सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 जो दोस्तों वो है मैप बेस्ड पे क्वेश्चन, 5 नंबर का मैप मैप आएगा आपका, और ये मैप दोस्तों इतिहास से और भूगोल से संबंधित उसमें पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ठीक इसी आधार पे आपसे सीबीएसई क्लास 10th का जो कंपार्टमेंट प्राइवेट बच्चों इंप्रूवमेंट वाले हैं, री एग्ज़ाम वाले हैं, सभी से इसी आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल डिक्टो इसी बेस पे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो सेक्शन ए में है 1 से लेकर 16 तक 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, इसी तरह प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का होगा, ठीक है। आप इसमें 4 में से 1 को टिक लगाना है, और आपको अपने उत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, ठीक है। कुछ इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स वाले होंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3rd क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर कॉलिंग, है ना, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। इसमें कौन से कारण थे गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बुलाने के लिए, ठीक है। इस तरह से इसमें से जो भी आपका उत्तर सही होगा तो उसको आपको यहाँ पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना होगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको डिक्टो, चाहे आप साइंस का देखें, मैथ्स का देखें, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों पूरा पैटर्न है, आप देख सकते हैं बिल्कुल वो बहुत ठीक ऐसे ही पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन जो बिल्कुल बहुत से बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चन हार्ड आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन एवरेज होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है टफ होते हैं, तो इसमें यानी आप कह सकते हैं 80% जो क्वेश्चन होंगे वो आप करने के योग्य होंगे, 20% जो क्वेश्चन होंगे थोड़े मोड़े हार्ड तो होते हैं, बट वो भी अगर आपने सही से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो उसे बिल्कुल आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। और पैराग्राफ वाले भी आपसे 4 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पैराग्राफ में से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। ये है पूरा टोटल क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सीबीएसई क्लास 10 ग्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर क्वेश्चन पेपर से संबंधित और किसी प्रकार कोई डाउट हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको लेकर दोस्तों लाइव जरूर आऊँगा आपको कल शाम को, ठीक है। तो आपके जितने भी डाउट्स पेपर समझ की कैसे तैयारी करना है, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा क्लास 10 का जो SST का पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करा देंगे विद इन
10 डेज़ के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके, मैं आप सभी के लिए अच्छे नंबर से पास होने की पूरी पूरी कामना करता हूँ। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और आप एक बात याद रखना दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, विद्यार्थी काल का जीवन है बहुत टफ माना जाता है। आप जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं दोस्तों, छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं, ये भी आपके जीवन का एक फेज़ है, तो इस कठिनाई से बिल्कुल डरना नहीं है। खैर, अब एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। तो ये पूरा दोस्तों रहा एग्ज़ाम को पूरा पैटर्न जो मैंने आपके लेकर दिखा दिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो और इस एग्ज़ाम के जो भी आपको साइंस का चाहिए, मैथ का चाहिए, सारा जो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और पैटर्न को देख सकते हैं। लेकिन सारा का सारा पैटर्न दोस्तों ठीक इसी तरह ही आएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बेल आइकन दोबारा बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।